तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, शायद बाद में वीडियो हट भी जाए, बट अभी आप देख लो। सो स्टार्ट होती कहानी तैयारी के मोड से। लंबे लंबे बाल कर लिए थे, एक कमिटमेंट था कि जब तैयारी अच्छी हो जाएगी उसके बाद बाल कटाएंगे इंटरव्यू के पहले, ठीक है। ये लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई करते थे, दोस्त लोग की बर्थडे पार्टी में कभी कभी उन्हें इन्वाइट कर लेते थे तो वहाँ चले जाते थे। जिस दिन इस BIPO मेंस का एग्जामिनेशन था, आई थिंक 29 जनवरी को, उसके बाद मैंने कहा कि आज जो है बहुत पेपर ख़राब किया, आज बैठ के खाएंगे पिज़्ज़ा। उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है अपना, GB लखनऊ में जाते हैं, आई थिंक बुआ की कार में बैठ के मस्त रौले में। उसके 16-17 मार्च के अराउंड आई थिंक रिजल्ट आ जाता है। तो ये दोस्त लोग थे हमारे वहीं पे नोएडा के, ये बगल बर्गर किंग में जाते हैं, पार्टी करते हैं, और जैसे रिजल्ट आता है भाई अपना, आपको पता है, iPhone ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि पता है अगले महीने सैलरी आएगी, तो EMI पे ऑर्डर कर देते हैं। अहमदाबाद का फर्स्ट डे बड़ा ही वियर्ड रहता है। जिस होटल में गए खाना नहीं था, तो रोटी, अमूल का दूध और जैम खाना पड़ता है। पहला दिन जो था वो मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट डे एट SBI वाले वीडियो में, चेयरमैन सर का मैसेज और क्या कहाँ। और ऑब्वियसली आप एकदम नए शहर में जाते हो, वहाँ पे नए लोग, नए जगह, नए भाषा, जगह जगह से लोग, पूरे इंडिया से लोग आते हैं SBIPO में वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वही बॉन्ड साइन करवाया था, ये है रहा अपना 2 लाख का बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाती है, ब्रांच में सब लोग चले जाते हैं, ये रही ब्रांच अपनी, वहाँ बैठ के काम करते हैं। ब्रांच चेंज होती रहती है, ये हमारी सबसे पहली ब्रांच थी तो जहाँ पे एकदम जनरल बैंकिंग, कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, बस हमेशा ये था कि लेट हो जाता था, ऑटो बैठ कैसे जाया करता था। कोई वीडियो बनाने की हैबिट लगी गई थी तब से, फिर अपना यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया था मई के अराउंड आई थिंक। ये पैन वैन जला देना कॉमन चीज़ें हैं, पहली सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ये छोटा उसका वो है। जब 7-8 बज जाए तो मेरे दिमाग की घंटी बजनी थी, तो बैठ के ऐसे ये सब वीडियो बनाता था इंस्टाग्राम वगैरह पे। एक फैक्ट टू फिट का अमेंडमेंट किया था, वो कर लिया था, अच्छी बात थी। ये फर्स्ट टाइम वो था जब मैं ब्रांच में पहली बार 10 बजे से पहले पहुंचा था, आप देख सकते हो। ब्रांच में ये सब चलता रहता था, तो आपको चलो ब्रांच की आप दिनचर्या दिखाते हैं कि एक दिन कैसा गुजरता है। सुबह आराम से तैयार होकर नहा धो कैसे निकलते हैं, ठीक है। ये हमारी KCC वाली ब्रांच है जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर वाला काम होता है। तो आराम से ऑटो लिफ्ट मांग लेते हैं मेन रोड पर जाने के लिए, उसके बाद आके पहुँचते हैं तो बस में बैठे रहते हैं, बस का नज़ारा, जहाँ पे कई लोग बैठे रहते हैं, दादी वाला बस है, मतलब ऑब्वियसली जहाँ ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, ये रही अपनी ब्रांच। मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है, बेसिकली गांव में पड़ता है, एग्री ब्रांच कहते हैं, ठीक है। और ये है इसको, ये हमारे साथ की कार खड़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपनी ब्रांच आ जाती है। दिन 10 बजे से पहले हम लोग लगभग ये सब काम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अपना बैठते हैं सब लोग, सेटिंग वेटिंग करके कुछ ना कुछ काम फिर आता रहता है, कुछ ना कुछ काम यहाँ पे करते रहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस समय मुझे पता था मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं जेन्युइनली काम कर रहा था, ठीक है, तो ऐसा लगेगा आपको। एंड सो देयर वेरियस, अच्छा देखो, दो जो हम लोग का पूरा दिन होता है ना, अगर मेजरली बांटा जाए तो 3 पार्ट में होता है। एक होता है बिफोर लंच, जब हम आते हैं 10 से लेकर 1:30 बजे तक, बेसिकली एकदम इंटेंसिवली काम करते हैं। उसके बाद 1:30 बजे अपना फिर लंच होता है, द इनफेमस लंच, SBI लंच। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पता है अब ऐसा बहुत बोला गया है कि ऐसा होता है, ऐसा पता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इवन ऐसा होता है कि हम लोग 10-15 मिनट के लिए लंच पे जाते हैं, कोई कस्टमर ज़्यादा देर है हम वेट नहीं करा सकते। फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं, फिर 4-5 बजे के आसपास, फिर जो है चूँकि कस्टमर्स चले जाते हैं 4 बजे के बाद बेसिकली, उसके बाद फिर हम लोग चाय वाय पीते हैं, फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक वेक लेके फिर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट में 4 बजे तक करते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक फिर काम करते हैं अच्छे से, 5 बजे तक बेसिकली करते ही रहते हैं। उसके बाद 6-7 बज जाता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच। एंड ये तो हमारी KCC की एग्री ब्रांच है, तो यहाँ पर काम थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। अच्छा, तो कस्टमर से जो मीटिंग टाइम होता है आपको पता ही है, 10 से 4 का ही होता है, इसका आइडिया तो हो गई। अच्छा, कई लोग पूछेंगे भैया आपको ट्रेनिंग में नहीं हुई थी, तो ट्रेनिंग जो हमारी थी ना, आपको मैंने बता रखा था, ट्रेनिंग जो लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते उनको पता है कि जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, वो मतलब ऐसी हो गई थी कि पहले ब्रांच दे दी गई थी, पहली ब्रांच के बाद बीच में बुला लिया गया था ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग वीडियो मैंने डाल रखा था। अच्छा, कई बार क्या होता है जब ब्रांच वन चलती है तो हम लोग को ऐसे ऑडिट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है, जैसे मैं ये गया था कुछ प्रॉपर्टी चेक करने, तो ये आफ्टर ऑफिस आवर जाना पड़ता है। ये है लंच वन, जब हम लोग टाइम मिलता है तो कभी अच्छे रेस्टोरेंट जाकर लंच कर लेते हैं। अच्छा, कई बार ऑफिस में जो अदर वर्क होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रिटायरमेंट है, किसी की बर्थडे पार्टी है, या फिर लाइक किसी का कुछ भी फंक्शन है, ज्वाइनिंग फंक्शन है, कुछ भी है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की एक हैबिट है कि वो हम लोग शाम को ही करते हैं, आफ्टर ऑफिस वर्क आवर 6 बजे के बाद। ये इनका रिटायरमेंट मतलब वो हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, फिर कोई आता है जाता है, तो इस तरह से बेसिकली अल्टीमेटली आप देखोगे ना काम चलता ही रहता है यार, बड़ा मज़ा आता है। तो ठीक है, कभी कभी काम बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर भी कैसे आप बना के रखते हैं। एंड बस दैट्स इट, आई थिंक इस तरह से चीज़ें चलती हैं, दिस इज़ द ब्रांच, यही काम होता है, सुबह से शाम काम करते हैं, शाम को थोड़ा फनी मोमेंट्स कुछ ना कुछ हो जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी हो गई किसी, किस तरह से इन्जॉय कर लेते हैं, अल्टीमेटली काम चलता रहता है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड दिस वाज ऑल आउट।